ओके स्टार्ट करते हैं। सही है, अपना बैकएंड लेते हैं और देखते हैं डेटा कहाँ जाके गिरा है। इसका कि अगर कोई इशू आ जाए तो वो रिजॉल्व करना नहीं अभी चाहिए आसान नेक्स्ट नहीं है। ईयर से। ओके अपना सर्वर रन करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि डेटा कहाँ जा गिर रहा है। सही है, NPM स्टार्ट। सही वाले डेटाबेस कनेक्टेड। ओके हमारे पास है AMD RPC 5। ठीक, इसको किया कॉपी सी और हाँ उल्टी और कॉलन 5050 पेशेस फिट लगी। बिल्कुल लगी, बता रहा है कि ये आया है। सही है, ओके हम आते हैं एक और हिट लगाने। कहाँ से? थंडर क्लाइंट। इसको बंद कर देते हैं, इसका काम कंप्लीट हो चुका है और हम खोलते हैं अपने पास थंडर क्लाइंट। न्यू रिक्वेस्ट, कॉपी और पेस्ट। मेथड जाएगा पोस्ट, बॉडी में जाएगा कंप्यूटर। नहीं वो यार एक प्रॉपर्टी थी। इनवाइटर और उसमें सही है, कोई एरर दे रहा है नॉट पोस्ट। और ये क्या कह रहा है? सबसे पहले घर जाके देख। हाँ यस गारंटी गुड। प्रैक्टिस कर कर आइए अभी। सर बिना आपको सही है, डेटा आ गया है बोला और टू डू आइटम में अहमद चला गया। देखते हैं कहाँ जाके सेव हुआ। हम जाते हैं डेटाबेस में और इसको करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, टेस्ट हमारा जाके बन गया है। सही है, और उसके अंदर टू डू लिस्ट है और उसके अंदर हमारे पास है अहमद। ठीक है, ये नहीं चाहिए। टेस्ट को करते हैं डिलीट, PEST। बंद है लाइट मेरा तो डेटा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा? नेट चल रहा है? वाले कपड़े पीट कर नेट आते हैं ना मेरी सिग्नल का इशू है तो और इश्यू ना हो भाई। मेरा हेड को आ रहा है जब भी आप नहीं आ रहा तो कौन से सिग्नल तो सॉन्ग इसमें नहीं आ रहा है जो शहर में नहीं चलेगा लेकिन आउट ऑफ सिटी बहुत अच्छा चलेगा ये मैंने कहा कि मैं किया ओके हमारे पास टेस्ट में जाके गिर रहा था। सही, हमें चाहिए इसके अंदर। टेलीविजन है एक पड़ा हुआ। सही है, ये रखा हुआ होगा पहले से कोई हार्ड कोटेड। ठीक है, तो इसके अंदर जाके गिरे, उसके लिए क्या करेंगे? ये जो टेस्ट
टेक्सिंग डेटाबेस है, इसकी स्पेलिंग कॉपी कर लेते हैं। और मैं आया किधर, सर्वर में, और मेरे पास जो मैंने ये अपना डेटाबेस कनेक्ट किया हुआ है, DB URL, सही है, ये इसका एक पैरामीटर है, ठीक है। एक दूसरा पैरामीटर देते हैं विच इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, DB name, ठीक है। और यहाँ वो दे देंगे जो तुम्हें चाहिए, TESTIH, बस यही बाकी यस, मेरा सब दिन underscore DB, ठीक है। कंट्रोल सेव और सर्वर रिस्टार्ट। अच्छा। इसमें एक चीज मुझे अच्छी लगी, उसमें फायरफॉक्स में तो सिर्फ ईमेल और पासवर्ड जाके गिरेगा, आपका नेम तो इसमें नेम से आ जाएगा, बाकी जो आइटम्स थे ना वो नहीं गिर सकते। गिरेंगे। नहीं वो उसमें ऑथ में नहीं, ऑथेंटिकेशन में नहीं, होता सब कनेक्ट करवाना था हाँ 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 फायरफॉक्स में। सही, बिल्कुल ऐसे ही सही है। न्यू रिक्वेस्ट पे ये जाते हैं जबरदस्त चीज ये मतलब कोड में काम। और अब हम ऐसे भेजते हैं, सही वो है, इनवैलिड डेटा और इनकरेक्ट डेटा बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। और अब हम यहाँ पे भेजते हैं SN, ठीक, डेटा आ गया है सक्सेसफुली। और इधर जाते हैं रिफ्रेश, ठीक है, टू डू लिस्ट के अंदर आ गया। टेस्टिंग वाला आ रहा है तो बस आपको ट्रैक हो रहे बताया तो है, अभी क्या बताया मैंने, ठीक टीम का। मैं देखती हूँ तो कौन सा रेलिवेंट है। वाओ तो आई थिंक कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में जाओ वहां भी सकते हैं। ओके, एक और डेटा ऐड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, सही है। एक और डेटा हम ऐड कर देते हैं यहीं से, ठीक है, LED, रिफ्रेश किया, ठीक है, सब चलेगा, सब हो गया। वैल्यूज एडिट करेंगे तो वो आपको बता रहा है कि भाई, और ये कुछ नहीं है, बस ये दो चीजें आपके काम, यस पासवर्ड भी स्ट्रिंग होगा, ठीक है। हाँ नहीं उसकी में होना चाहिए। ठीक है, ओके, एक नई चीज पढ़ते हैं कि हमें जो है अब ये सारे डेटा चाहिए, ये कैसे करेंगे, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे नोट API फंक्शन टू, API फंक्शन टू सेंड यूजर, सेंड ऑल यूजर, ऑल यूजर्स, ठीक है, ओके। मैंने बनाया ऐप, जब भी, अब आपकी बात आ गई, अब आप बताओ कि अब हमने यूजर लिस्ट मंगवानी है, कौन सी API का फंक्शन चलेगा, गेट, सही है, ऐप डॉट फेच करानी, ठीक है। यहाँ क्या क्या मिलता है, दो पैरामीटर, एक सही है, और
हम क्या किस अपने किस पाथ से चल रहे हैं? एपीआई स्लैश ओके स्लैश स्लैश ही है ना? नो, एपीआई स्लैश फेच स्लैश ऑल डैश डू अंडरस्कोर नोट डैट अंडरस्कोर डैश आइटम्स। ठीक है, यस, ये न्यू बना रहे हैं, तो बनाएंगे स्लैश स्टार्ट में लगा। यस, ठीक है, ये हमारी एक एपीआई होगी जो क्या करेगी, आपको ऑल टू डूज ला कर देगी। ठीक है, यहाँ से हमें दो चीजें मिलती हैं, आर ई क्यू रिक्वेस्ट कॉमा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, हाँ अब मोस्ट ऑफ द टाइम गेट में आपके पास एरर्स की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट ना चल रहा हो तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज अदरवाइज जो है आपको एरर की गुंजाइश नहीं होती। तो ये नहीं एरर आए तो हम एसिंक अवेट या फिर प्रॉमिस नहीं लगा रहे। ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया क्या, मेरे उससे क्या नाम है, टू टू मॉडल, दिस टू मॉडल ही है, बिल्कुल यही है टू टू मॉडल आपके पास। आपको अगर आप इधर जाओ फाइंड मेथड इन मोंगोडी, सही है, तो ये सारे मेथड्स हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मेथड्स में आपको करवा दूँ। ठीक है, फाइंड आपके पास मेथड होता है टू टू मॉडल डॉट फाइंड, सही है, ये पैरामीटर में लेता है दो चीजें, सही है, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलता है क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अगर सब चाहिए तो मुझे छोड़ दो खाली। ठीक है, हमने बोला सही है कुछ नहीं चाहिए, हमने आपको ऐसे ही छोड़ दिया। और दूसरा कॉल बैक, सही है, कॉल बैक के अंदर अब कब क्या आएगा ये आपके प्रैक्टिस के साथ साथ याद होगा, वरना याद नहीं होगा। सही है, यहाँ पर मिलती है इसको दो चीजें, एरर कॉमा डेटा। मैंने इसको बोला इफ एरर नहीं है, सही है, इफ एरर नहीं है क्या करेंगे बाद में देखते हैं, उसके बाद रिटर्न प्रेस डॉट स्टेटस 500 सर्वर की तरफ से एरर डॉट सेंड स्टेटस कॉमा फॉल्स मैसेज मैसेज सर्वर की तरफ से इश्यू है। ठीक है, ये हमारा हो गया कब, जब आपकी यूजर लिस्ट फेच कराने में कोई एरर आएगा, अदरवाइज कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा ठीक है, अगर एरर नहीं है तो क्या करो, प्रेस डॉट स्टेटस नॉट सेट स्टेटस 200 डॉट सेंड डॉट सेंड। ठीक है, डॉट सेंड और इसके अंदर ऑब्जेक्ट में मैंने सबसे पहले भेजा स्टेटस, स्टेटस बार 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 आ रहा है ट्रू, और मैसेज की जरूरत नहीं है, मैंने डेटा लिख दिया, डेटा में क्या रख दिया मैंने, डेटा जो मुझे पैरामीटर से रिसीव हो रहा है। मैंने आपको बोला था इस ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी बनाई डेटा की, उसमें रख दिया डेटा, इफ डेटा सक्सेसफुली रिकॉर्ड। ठीक है, सेव करते हैं, चला के देखते हैं कि अगर कोई एरर नहीं है तो यहाँ पे सब कुछ हमें मिलना चाहिए। सही है, सेव और सर्वर क्लोज्ड सीसी टीएलएस एनपीएम स्टार्ट। कनेक्टेड सक्सेसफुली ओके, यहां पर आए, इस वाली एपीआई को कॉपी करते हैं।
कॉपी इधर आते हैं, पेस्ट, और यहाँ पे लिखा गेट। हाँ टेलीविजन, अहमद और एलईडी, सही है। सेंड मारा, उसने मुझे एरे लाके दे दी, टेलीविजन अहमद और एरे। अब इसको हम प्रिंट करा देंगे। आ गया हमारे पास सारे डेटा फेच होकर, भेज भी दिया, आ भी गया। इसको अगर फैक्स से करवाएं फ्रंट एंड पे तो यस फेच ही करवाएंगे आप मोस्ट ऑफ द टाइम, जब पोस्ट कराओ तब एग्जॉस्ट यूज करोगे, वरना फेच यूज करोगे। और फैक्स पे तो वही है कि अब एसी का वेट लगाया और क्या कहते हैं ट्राई एंड कैच के जरिए हम लोग अब जो है तो हमारे पास साथ है ना बस बिल्कुल वहां से फैक्स करवा लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लिस्ट आ गई, और ये आपको लिस्ट जहाँ पे शो करानी है आपके व्हाट्सएप पे, जिस तरह लिस्ट आ रही होती है वो सारी इसी तरीके से आ रही है। तो वो आपको एक एरे बना के दे रहा है, उसको आप चेक करा लो। एरे है ग्रेटर देन लेंथ, 0 से ग्रेटर है, तो फिर ये दिखा दो। आइटम डॉट टू डू आइटम, इंडेक्स में रख दोगे जो इंडेक्स मिल रहा होता है, सही है। तो ये आपने यहाँ पे सीखा फाइंड मेथड। फाइंड मेथड क्या बोलता है कि मेरे पैरामीटर में मिलेंगी मुझे दो चीजें, एक क्या चाहिए, अगर सब चाहिए तो एम्प्टी छोड़ दो। अच्छा अगर यहाँ पर हमें कोई एक ही आइटम चाहिए हो तो फिर वो देखते हैं ना अभी, सही है। तो सब चाहिए तो फिर एम्प्टी छोड़ दो, अदरवाइज एक कॉल बैक मिलता है, उस कॉल बैक में मिलते हैं आपको दो चीजें, एरर और डेटा, सही है। एरर नहीं है डेटा मिल जाएगा, वरना फिर 500 का एरर आ जाएगा, सब कुछ सही चल गया था। सही है, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें। तो इशू नहीं है। अब वो ऑथेंटिकेशन में तो मसला होगा ना सॉरी लॉगिन करते हुए वो कैसे हम लोग करेंगे। करते हैं ना भी, भाग नहीं रहे, करते हैं। नहीं एक मेरे माइंड में कुछ ये तो नहीं कि आप कोई चीज को उसमें स्टेटमेंट सेव करवाएंगे वहां से मैच करवाएंगे वो नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे। इसका मतलब वालेकुम अस्सलाम, बेस्ट वो लंबा ही हो जाए। बैकएंड से करेंगे, बैकएंड से करेंगे, मैच करवाएंगे बैकएंड से, फ्रंट एंड से नहीं, ठीक है। अच्छा भाई हमने क्या करा है, हमने एक एपीआई बनाई है। देखो अब हमारे पास जो है ना सारा डेटा उस डेटाबेस में जाके गिर रहा है, अच्छा टू डू लिस्ट में जाके। उसके लिए हमने क्या करा है, जो हमारा डेटाबेस था, सही है, कनेक्ट का मेथड, उसमें डीबी यूआरएल पास किया हुआ था, दूसरा पैरामीटर पास करना था एक ऑब्जेक्ट, उसमें मिलती है आपको डीबी नेम की प्रॉपर्टी, उसमें आपने वो डेटाबेस का नाम लिख देना है, कौन सा, ये वाला। फिर वो जो है, अब आपके पास यहाँ पे सपोज का 4-5 डेटाबेस है, जिसका नाम पास करोगे उसमें जाके गिरेगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा हमने अभी तक क्या किया है, हमने एक गेट की एपीआई बनाई है जो आपको तमाम यूजर्स ला कर देगी, ठीक है। उसके लिए हमने गेट का मेथड यूज करा है, और हमने एक पढ़ा है फाइंड मेथड। फाइंड मेथड क्या करता है, पैरामीटर में दो चीजें एक्सेप्ट करता है, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा कॉल बैक। ऑब्जेक्ट में अगर सब चाहिए तो ऑब्जेक्ट को एम्प्टी छोड़ देंगे, जो चाहिए वरना उसको बता देंगे, ठीक है। एक एरर और एक डेटा, डेटा में सारा डेटा मिलता है, एरर अगर ना आए तो, ठीक है, वरना फिर 500 में आप जो भी मैसेज लोगे वो उस तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब एक और का एक और एपीआई बनाते हैं, सेव किया इसको, चलो खोला रहने दे, कॉपी काम का कुछ ही नहीं आ रहा एक्सप्रेस के काम का कुछ नहीं आ रहा। एक्सप्रेस कॉल हुआ है ऐप में, ऐप ही तो सब कुछ कर रहा है, नोड का काम नहीं आ रहा, पीछे नोड चल रहा है असल में। ऐप में ऐप में कॉल ही एक्सप्रेस हुआ हुआ है, और नहीं एक्सप्रेस ही तो काम कर रहा है, नोड उसके पीछे काम कर रहा है। जो सारे अभी प्रीडिफाइंड मेथड ये सब यूज हुए हैं, ये सारे मेथड एक्सप्रेस के हैं, ये सारे जेसन कोर्स मोर्गन यूज, ये सारी चीज एक्सप्रेस की हैं। क्योंकि अगर मैंने बोला कॉन्स डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, तो यूज डिस्पैच की चीजें किसमें कॉल हो गई, डिस्पैच में। अब उसको चलाऊंगा तो यूज डिस्पैच कॉल होगा, जब ऐप यूज कर रहा हूं तो एक्सप्रेस ही तो कॉल हो रहा है, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे अब आइटम डिलीट कराना है, कैसे डिलीट करेंगे वो देख, डायरेक्ट डायरेक्ट इधर से क्यों करेंगे ये आज का सही था
यहाँ पर है ना डिलीट का ऑप्शन, एडमिन को कॉल करना था तो बोला डेटाबेस को ये डिलीट अच्छा था कर भाई, यहां से क्यों दो। डिलीट करेंगे जब आपके पास स्क्रीन पे टू डू लिस्ट है, अभी से उधर से बजट चल डिलीट रहा है ना, करानी है। नहीं ये नहीं, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगी करेंगे बट या बोलेंगे वहां से करो, वो वहां पे राइट पे डिलीट का नहीं बटन आ रहा है उसको दबा देना, डिलीट हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो वो राइट के बटन को यही समझ ले मैं डेटाबेस उड़ा देता हूँ, फिर आप बोलोगे भाई सब चला गया। एक तो ये पूरा आइटम डिलीट करना, और एक आइटम में जितने भी हमारे चीजें होंगी लाइक हमें चेंज कर अपडेट भी होगा वो भी सब इसी में ही आएगा ना, हाँ ठीक है सारे ऑप्शन होगी तो। पर ये पर ओके मुझे उम्मीद रही है खा जाएगी। ओके डिलीट। एपीआई फंक्शन टू डिलीट आइटम, एपीआई ऐप डॉट डिलीट, सही है। सर इतने मेथड इनके भी हैं, सारे हाँ इनके भी मेथड है, पर मेथड मैं सबको है, जैसे तो समझे ये लिखा फंक्शन लिखा नहीं नहीं ये तो सब कुछ लिखना पड़ता है। इवन के जब आप आपको फुल स्टैक काम मिलेगा ना, फ्रंट एंड के अलग चार्जेस हैं, बैक एंड के अलग चार्जेस अलग लाइक अलग जो से। आप बैकएंड के अलग मिलेंगे फ्रंट एंड सर के को सिर्फ अलग सैलरी मिलेगी। हकीकत में ये मसला है, वरना अभी जो है ना मुझे बड़ी टेक्निक समझ में आ गई है, बस ये कि थोड़ा सा टाइम लगा के फ्रीलांस टाइप फाइवर का में। ज्यादा करें आप अपने लिए ना, पर हाँ ये कि आप ऑन जॉब होते हैं ना तो आपकी पीआर बनती है, सर क्या बोलती है, पीआर बनती है ना तो फिर आपको काम भी ज्यादा मिल रहा होता है, और आप पता चल रहा है तो प्रोफेशनली भी तो इंसान को मालूम भी होना चाहिए ना। हाँ ठीक है। सेम चीजें होंगी, एक पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर। इसमें अब हम एक नई चीज सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, आर ई क्यू कॉमा आर ई एस, ठीक है। मैसेजेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, छोड़ो। यहाँ पर सपोज करो कि अब मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक एपीआई ऐसी बना के दे रहा हूं, उस एपीआई में आपको आईडी भेजनी है। एक एपीआई आपको बना के दे रहा हूं, जैसे कि ये एपीआई स्लैश यूआरएल, ये एपीआई का यूआरएल, फिर स्लैश करके आपने आईडी लिखी अपनी 123, ये वाली एपीआई कैसे बनाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैरामीटर्स। एपीआई के पैरामीटर से आपके पास कुछ आने वाला है। अभी तक आपने देखा है बॉडी, बॉडी क्या है, ये आपकी बॉडी है, ठीक है। जो आप बॉडी में बता रहे हो उसके मुताबिक आपको डेटा आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब क्या कहते हैं पैरामीटर्स, क्या करते हैं पैरामीटर्स को पहले समझ लेते हैं। मैंने बोला भाई आपके जो यूआरएल है उसका नाम है स्लैश एपीआई स्लैश डिलीट डैश आइटम स्लैश कॉलन आईडी, कॉलर आईडी कॉलन आईडी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कंसोल करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि अब मेरे पास कोई बॉडी नहीं आने वाली, मेरे पास पैरामीटर से आईडी रिसीव हो रही है। मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, ठीक है। सेव किया और मैंने सर्वर को अपने कर लेता हूँ, क्या कह रहा है, इवेंट फंक्शन इन इंस्टांस, ओके सी 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 टी एल एस एन पी एम स्टार्ट डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। इस वाली एपीआई को अपना कॉपी करते हैं पूरा कॉपी, और इसकी जान पहचान भी तो चाहिए। मैंने बोला कि आइटम आईडी, आइटम आईडी कॉलन और कॉमा, सेव किया, दोबारा कर लेते हैं NPM start connected successfully, ठीक है।
कॉपी कर लिया इसको सी, और यहाँ पर आए अपना पुराना बॉडी की जरूरत नहीं है बिल्कुल, मिटाना पड़ेगा आपको सब कुछ क्योंकि बॉडी एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना यूआरएल पास किया, ठीक, गेट में से हटा के आपने सिलेक्ट किया डिलीट बिकॉज ऑफ डिलीट मेथड, ठीक है। अब आ रही है अंडरस्कोर आईडी, आप ये नहीं लिखोगे क्योंकि ये उसका बिल्टन मेथड है, यहाँ पर आप उसका पैरामीटर से आईडी ही ऑलवेज रिसीव होगी, कुछ और रिसीव नहीं होगा, ऑलवेज आईडी रिसीव होगी पैरामीटर्स में। मैं यहाँ पे हार्ड कोटेड दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सेंड मारा, यहाँ पर मेरे पास आया 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। ठीक आइटम आईडी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। जब मैं दे रहा था यहाँ से तो वो थी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। अब मेरे पास आईपी एपीआई से भेज रहा हूँ, तो ये है आपके एपीआई के पैरामीटर्स, तभी आपको यहाँ से रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट आईडी मिल रही है। मैं इसको मिटाता हूँ, बल्कि कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, कॉपी। मैंने बोला लेट दिस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, सही है। और यहां से मुझे क्या मिल रहा है, आईडी मिल जाएगी, आईडी, ठीक। और मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग को पेश करा, डायरेक्ट आईडी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है। आईडी निकाल ली कहाँ से, वो जो अंडरस्कोर कॉलन आईडी, ये वाला जो एरिया है, ये पैरामीटर्स है आपकी एपीआई का, जहां से आपने आईडी निकाल ली, तो फिर वो आपको ये जो 1 2 3 4 5 है ये आपको मिल रही है, ठीक है। ओके मैं आता हूं, अब यही कि उसको आईडी कैसे मिलेगी, हाँ? आईडी कैसे मिलेगी, कौन सी आईडी, हमारी कॉलन आईडी पे भी तो कोई आईडी जाएगी ना हमारी, वो कैसे जाएगी, तो जो आईडी जाएगी वो इसी तरह तो जाएगी, तो मिश्रा यहाँ पे भेजोगे ना, हम फ्रंट एंड कर रहे हैं ना, लेकिन फ्रंट एंड से तो हम हिट मारेंगे तो फिर ही होगा ना, ये रही आईडी अंडरस्कोर आईडी, अंडरस्कोर आईडी तो है। अब हम लोग जैसे बटन पर क्लिक किया तो वहां से आईडी हमारी जाएगी, यस ये वाली आईडी तो हाँ ये तो इसी की आईडी की तो बात करूँ कि ये वहां पर के इसके ऐसे ही बिल्कुल जाएगी। जाएगी, इसको भेज के देखते हैं। मैंने यहाँ पे इसको हटाया 1 2 3 4 5 को, ठीक है। और मैंने सी 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 एल एस एनपीएम स्टार्ट, कॉपी और पेस्ट, सेंड, आ गई, आप इसी तरह आएगी बटन से कैसे जाती वो वाला भाई। आपने आइटम सिलेक्ट करा, सवाल, आइटम में आईडी मिल गई, जहां एपीआई है वहां पूरा लिख दो, डिलीट तो ये तो एपीआई हम फेच के जरिए वो करते हैं ना, फेच का के मेथड भी है फिर एग्जियोस में, के डिलीट का मेथड है, वहां पर आईडी पास करेगा यस और वो आईडी जाके गिरेगी यहाँ पर यूआरएल पे तो नहीं गिरती ना, मैं बताता हूँ, सही वो बताए है, ठीक है। वो कैसे भेजेंगे वो भी बताता हूँ, ठीक है। पहले इधर आ जाते हैं, यहाँ पे तो मिल गई हमें आईडी। सही है। डिलीट में भी आपके पास एरर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, सही है, क्योंकि आप आईडी गलत नहीं भेजोगे, जाहिर है आप किसी चीज पे क्लिक कर रहे ये हो, गलत उल्टी सीधी की चीज पे आप क्लिक आईडी करोगे नहीं, ठीक है, क्लियर है सबको, है, उल्टी सीधी चीज पे आप क्लिक करोगे नहीं, ठीक है। मैंने बोला कि टू मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव, आईडी से फाइंड करो वहां से रिमूव कर दो, ठीक। ये पैरामीटर में लेता दो चीजें, एक आईडी विच इज दिस कॉमा दिस, जिस तरह उसमें जा रहा था, ठीक है। यहां से सिर्फ इसको हमें चाहिए एक चीज, एरर, ठीक है। डेटा चाहिए तो डेटा आपको वो मिलेगा जो डिलीट हुआ, वो हमारे किसी काम का नहीं, सही है। इफ एरर नहीं है तो क्या भेजो, रिटर्न रेस डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड, ये
स्टेटस ट्रू, मैसेज आइटम डिलीटेड, आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली, बस सही है। और अगर ये नहीं चलता तो रिटर्न, प्रेस डॉट स्टेटस 500 डॉट सेंट, क्योंकि सर्वर की तरफ से कोई एरर होगा फिर। ठीक, और उसमें आपने भेज दिया कि स्टेटस फॉल्स स्टेटस फॉल्स और यही मैसेज कॉपी और पेस्ट। सही है, सेव करते हैं इसको, चला के देखते हैं। ठीक, सेव और सी एन एस एनपीएम स्टार्ट। मोंगोडीबी कनेक्टेड और यहां पर मैं आया। ठीक, मैं उठा रहा हूँ अपने नाम की आईडी। मेरे नाम की आईडी है कॉपी, सही है। एफ और वी बता रहे हैं, एक आइटम क्लिक कर रहा हूँ तो उसी पर आ रहा है। ठीक है, और इधर आया और अब मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर भी हमारे पास कोई कोई मसला नहीं आया। और अब अगर मैं इसको जाके यहाँ से रिफ्रेश का बटन दबाता हूँ और फिर इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 0-0 हो जाना चाहिए। रिफ्रेश, ठीक है, टेलीविजन और एलईडी। ठीक है, अब इसके पास यहाँ पे कोई आइटम नहीं है। इसको दोबारा कंट्रोल ए कंट्रोल सी बैक वी, अब 0-0 आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, आइटम आपके पास सक्सेसफुली डिलीटेड हो गया। ठीक है, आईडी पास की एज अ पैरामीटर, ठीक है, यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। आपके पास मोंगोडीबी का मेथड है फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव। क्या करता है, पैरामीटर में लेता है दो चीजें, एक आईडी जिसको डिलीट करना है, दूसरा है कॉल बैक, उसमें आपको मिलती हैं दो चीजें, एक एरर और डेटा। डेटा कौन सा, जो डिलीट हुआ होगा वो हमारे किसी काम का नहीं है तो चाहिए नहीं, नहीं लिखा। एरर में हमने बोला कि अगर एरर नहीं है, फॉल्स है, तो ये डेटा भेज दो, जो कि दिस मैसेज डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर सर्वर की तरफ से कोई एरर आ जाए, इंटरनेट ना चल रहा हो, तो सर्वर की तरफ से इश्यू है, हमने 500 में भेज दिया डिलीट के मेथड से। और ये आपने एक नया मेथड पढ़ लिया डिलीट का। ठीक है, इस तरह आप अपना डेटा सर्वर से डिलीट करोगे। ऐड हो गया यूजिंग पोस्ट, ऑल डेटा फेच हो गया यूजिंग गेट, डिलीट का डेटा हो गया यूजिंग डिलीट मेथड। आईडी को खुद देख लेगा, अभी तो हमने हेल्प से किया हाँ है, देख लेगा खुद में बिल्कुल देखेगा, कैसे बिल्कुल देखेगा, कैसे देखेगा। जो आपने फाइल डिलीट कर दी जिसमें आपने की वजह से इनपुट बनाया था, तो वो मैं मेन प्रोजेक्ट फाइल खोली थी, वो मैंने, अभी हमें बनाना अभी हमने बनाना तो पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम कर सकते हैं। क्या हाँ सर, आप कोई भी प्रोजेक्ट में डायरेक्ट एग्जॉस्ट करने टाइम नहीं लगेगा, मेरा भी 2 मिनट में हो जाता है, होता तो नए हो वाले जाता एक दो से मसला नहीं आ रहा। है अभी, तभी तो आप आज इंस्टॉल किया, आज भी फिर भी मसला नहीं आया। अच्छा, एनपीएम से ही किया था मैंने, तो पूरा क्या फंक्शन लिखे उसके बाद याद आया एग्जिस्ट का एरर किया रिकॉर्ड हो, वैसे मैंने भी सोचा था, मैंने कहा सर बोल रहे थे एरर आएगा, लेकिन आया। एनपीएम से ही किया मैंने भी, कोई एरर नहीं आया, सही है। बस एरर ये आ रहा था कि मेरा कुछ मैंने कमेंट्स रखे हुए थे जिसकी वजह से इशू आया था, फिर मैंने कोर्स कह देखा रहे नहीं आया, नहीं, कोर्स लगाया भी नहीं, कोर्स लगाया लगा हुआ था कोर्स पहले, के चलना बगैर तो आपको पता वो चलना ही नहीं था। नहीं था। ठीक है, ओके, चलो हम देखते हैं किस तरह चला सकते हैं। बना लो फुल्का फुल्का प्रोजेक्ट ही, वही वो ग्रो करे, जैसे वो इनपुट फील्ड बनाई थी वैसे ही फील्ड बना दे।
इसी को ही बना लेना। किसमें बैकएंड पे क्या बैकएंड बनाऊंगा? ही नहीं बना लॉगिन का, फ्रंट एंड का अलग से इसके होता इसमें। दूसरे फोल्डर में बना लेना। असल में उसका जावास फोल्डर कहाँ पड़ा है क्या वहां पर, या उसको कर दे न्यू प्रोजेक्ट में। मैंने ना रिडक्स वाले फोल्डर में बनाया था, सेटिंग पढ़ाया था उसमें बनाया था लॉगिन का अलग से पेज, तो उसमें एग्जॉस्ट तो ऑलरेडी थी भी नहीं है, तो फिर मैंने इंस्टॉल कर लिया हाँ सर उस इंटरव्यू। प्रोजेक्ट में कर लेते हैं डायरेक्ट एग्जिस्ट तो करना हम लोगों को, बाकी तो सब चीजें हैं यूआई भी ऑलमोस्ट है ही है। हाँ कार्ड ऐप वाला ना कार्ड वाला तो सर, रिडक्स वाला कर देता इंस्टीट्यूट को तो हम अपने तरफ से कर लेंगे। इसमें सिर्फ वही काम करना, यही तो आपको इन लोगों का एग्जीक्यूट करना पड़ता एग्जॉस्ट कर लेते हैं। है। एनपीएम आई एग्जॉस्ट सर याद ये नहीं, लिखेगा भी कुछ यही से चल गया था सर, यही करेंगे, यहीं पर नहीं आया गया है, मैंने तो यहीं पर ही किया था। हाँ सही है मुझे पता है। एग्जॉस्ट मेरे ऑफिस में साथ ही बैठा हुआ होता है। हाँ हाँ होटल बंद है। खैर हो गई। ओके एग्जॉस्ट हो चुका है। अब देखते हैं क्या होता है। देखें सर, इतनी जल्दी हाँ इतनी ये रोज का है मेरे साथ ही बैठा हुआ था। कहते हो ना आप डायरेक्ट एंड गेम हर थोड़ी स्टार्ट देर बाद बोलता करो। है जब चलना हो बता देना। नहीं पता नहीं कैसे पता है, डेट ऑफ बनाव ऑफ दी एयर फॉर्म तो ये करवाया ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। NPM start गूस्ट शेप लगी हुई प्रैक्टिस कर रहे हो आप? कि नहीं हुआ है। वैसे कर रहे हो? हाँ वो सही है। हाँ सर मेरा ख्याल है मुझे अपना वाला क्रोम बंद कर देना चाहिए। की जरूरत नहीं है। डिप्लॉयमेंट स्टिल पॉस्ट। एक्स लोकल होस्ट नॉट दिस। किसके लिए लिए? हाँ फर्स्ट नए साल के भी एक अपनी खुशी, बहुत उम्मीदें लेकर आता है यहाँ का, ट्वेंटी तुम्हारे वन मुल्क के ट्वेंटी लिए तो जरा हो जाए वहां वैसे 22 बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। आपका 22 मेरा नहीं ओवरऑल की बात कर रही हूँ, मेरा सक्सेसफुल तरीन ईयर था ये। नहीं ना बात करें, हमारा तो अल्लाह का लाख शुक्र है बहुत अच्छा था, मेरा तो अल्लाह ट्वेंटी के वन लिए और कैसे ट्वेंटी टू अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ट्वेंटी लिए भी ये 2 ईयर्स बहुत अच्छे टू थे, के और ये कि फोर्थ सक्सेसफुल ईयर तरीन ईयर से।
ये पॉलिटिक्स की वजह से हमारे मुल्क की बहुत तबाही हुई हाँ उनकी तो बहुत तबाही है। चलो लगा तो ही नहीं रहा, फिर आपने कुछ किया था इसको नहीं क्या किया है, मैं इतना दूर बैठा हुआ हूँ। नहीं ठीक है, ओके। लॉग इन, तो ये लोकल स्टोरेज पे मना हुआ है। वो हटा देंगे ना, फंक्शन ही तो था वो, उसकी क्या टेंशन। अनडिफाइंड मैंने इसलिए इसमें नहीं किया क्योंकि नल, वाली नहीं नहीं भाई, मैं एक दूसरा कंपोनेंट बना के वो रेंडर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपका एक प्रोजेक्ट था, वो आप देख, वो आपके काम आ मैंने सकता है। एक अलग कंपोनेंट के बनाया लो यार, कुछ भी कर लो बस कर लो। हाँ ये भी अपने है। हाथ में ना राउट्स, राउट्स में ये सब रखा हुआ है, और एक कंपोनेंट में बना लिया, एक फोल्डर, एपीआई, डैश टेस्टिंग, फोल्डर क्रिएटेड, और एपीआई टेस्टिंग डॉट जेएस, एपीआई डैश टेस्टिंग डॉट जेएस। RAFC, ठीक। टेस्टिंग, कॉपी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पी, और यहां पर मैंने लिखा H1। एपीआई टेस्टिंग, ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव। राउट्स में आया मैं, यहाँ पर एपीआई टेस्टिंग चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, और साइन अप। हमारे पास कौन सी लॉगिन स्क्रीन स्क्रीन सबसे होगी। सही है? लॉगिन को कर लेते हैं, स्लैश लॉगिन, LOGI है, ठीक। रूट में रख लेते हैं डिफॉल्ट पे, एपीआई टेस्ट। एपीआई टेस्टिंग स्लैश, सेव किया, ठीक है। प्रॉप्स ऑफ नेविगेशन और ये नल, इन सबको हटा देते हैं क्योंकि इन सबकी अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस पूरे को हटा दिया, तो कंसोल ही चला रहा था ये। और दूसरा नेविगेशन डॉट जेएस में है, सेव किया मैंने नेविगेशन डॉट जेएस। नेविगेशन, नेविगेशन किधर है ये रहा, और इसको भी मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ एक कंसोल है, एक कंपोनेंट है टेस्टिंग, क्लियर है, सही है। टेस्टिंग यहां से मंगवा लेते हैं यूज इफेक्ट को, कॉमा बकेट यूज इफेक्ट, ठीक। और उसको जरा कॉल करा दे, माउंटेड वाले को, यूज इफेक्ट दिस, दिस कॉन्स्ट एपीआई कॉल इज इक्वल टू दिस, और इसको कॉल कर दिया मैंने एपीआई कॉल को। यहां पर सब समझ आ रहा है यस सर। आपको भी? सेव हेलो किया, ठीक है। टू टाइम्स हेलो, यहां से मैं मंगवा लेता हूं,
एग्जॉस्ट। ओके, और मैं लगा लेता हूँ सबसे पहले ट्राई कैच। कंसोल डॉट लॉग समथिंग फिर वाइल इंटीग्रेट इंटीग्रेटिंग कर डिलीट आइटम एपीआई दिस दी कॉमा एरर। सही है। ओके, और यहां पर मैं आया सबसे टॉप पर पहले। लेट एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू, बल्कि इसको भी यहाँ क्यों लिखे हैं, छोड़ देते हैं इसको। लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एसिंक, एसिंक्रोनस है, अवेट एग्जियोस ठीक मेथड कॉमा DELETE URL में लिखेंगे दिस ठीक। और यहां पर मैं आया थंडर क्लाइंट पर, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। फिर सर हम ये वाला यूआरएल का बुक कीजिए, ये वाला नंबर हो गया, हाँ, ये वाला आईपी ये डिलीट हो गया नंबर ना, तो सर करेंगे ना दूसरा जो वाला लगा रहा हूं ना मैं यहाँ पे, अभी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 हार्ड कोडेड लिख दिया। सही है। ओके, और कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स ठीक है। मैं सर्वर पर वापस जाता हूँ, सर्वर पर वापस गया, मैंने बोला मुझे सिर्फ यहाँ तक का डेटा लाके दे दो, बाकी सब कुछ मैं अपना बन कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये इसका ब्रैकेट और ये रहा, क्या हो गया, एक ही ब्रैकेट था। ठीक सही है ठीक है, बस मुझे आईडी ला कर दे दो और कुछ नहीं चाहिए। सेव किया और रन कर लेते हैं। CCC PLS NPM start। कनेक्टेड सक्सेसफुली ठीक। दिस वन टू थ्री फोर फाइव क्लियर है। सही है, यूज इफेक्ट चल गया। ओके, अब मेरे पास यहां पर है आईडी और मैं डिलीट करता हूं किसको, टेलीविजन को। कॉपी, और यहां पर मैं आया, मैंने डिलीट कर दिया किसको, इसको टेलीविजन को। सही है। अब जब ये यूज इफेक्ट चलेगा तो यहां पर आनी चाहिए टेलीविजन की आईडी, और यहां पर कंसोल में आपके पास, एक मिनट, सर्वर में चेंजेस हमने करी थी वो चेंज कर लेते हैं। कंट्रोल जी जी सेव किया इसको, अगेन रीरन, नॉट दिस, एनपीएम स्टार्ट, कनेक्टेड सक्सेसफुली। नहीं अभी हाँ उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा ना। रिफ्रेश करना पड़ेगा, अभी सेव नहीं करा हुआ ना, सेव करेंगे तो चल जाएगा खुद ही, करना नहीं ये सेव पड़ेगा। नहीं किया, ऑटो सेव हाँ, हो गया, सेव किया नहीं सेव नहीं करा ना। है तो सेव नहीं। अच्छा इसमें होगा कोई फंक्शन ऑटो सेव का बिना, कुछ ये सेकंड्स के तो बाद ऑटो सेव होता जाए, लेकिन गलत है, लेकिन वो हमारे लिए वाले है, करना नहीं चाहिए। क्योंकि तो हम तो सेव प्रोडक्शन मोड किया, पे होते हैं ना। 200 हमारे पास एक सक्सेसफुली आ चुका है, प्लस प्लस ठीक है। इसको अगर खोलें तो मेरे पास आ रहा है आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुल
और आईडी हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, FFFE। अब अगर डेटाबेस को रिफ्रेश करूंगा तो FFFE अरे नहीं होनी वो चाहिए। टेलीविजन वाला सब तो होगा ही। सही है। आपने क्या करना है अब वो सुन लो। आपने ये करना है, यहाँ पर आपका आपको जो ये जो फंक्शन होगा ये आप कब चलाओगे, बटन क्लिक पर। बटन क्लिक कर यहाँ दो। पर आपके पास रिसीव होगा आइटम, ठीक है। यहाँ आपने लिखनी है वही आइटम है और वो हमें आईडी मिली। आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। क्लियर है? अब क्लियर हुआ? यहां से आप उस तरह पैरामीटर्स में आईडी भेजोगे, वहां वो मुझे मिलेगी और आपका डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा, फेच मेरा डेटा डिलीट हो गया, ऐड हो गया, हो और गया। फेच हो गया, मतलब ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। हाँ भाई, इधर मेरी ऑथेंटिकेशन सबके अभी मेरा काम ही वही होता। साइन अप तो कर लिया मैंने, अब मुझे लॉगिन भी तो करना है। एक के लिए भी इतना हम लोगों को वही करना पड़ा, आसान से अपडेट में मसला होगा ना, वो थोड़ा काम लंबा होगा। आईडी नहीं मिलेगी कभी भी। क्या बस प्रैक्टिस पर है, लेकिन अब मुझे इतना मुश्किल नहीं लग रहा हाँ? है। इतना मुश्किल नहीं लग रहा, बस ये कि प्रैक्टिस होती रहेगी ना तो चीजें जरा याद रह जाएंगी कि इस पर ये चीज चलानी है, सब क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉल बैक्स हैं, बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं, उसमें कंफ्यूजन हो सकती है, बंदा देखता है। लेकिन ये कि मैथमेट से कब आइडिया होगा कि क्या चीज कब चल। सर, अगर किसी कंपनी में कोई वेबसाइट पर, कंपनी में जैसे बस दराज में अगर कोई चीज हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो हमारा बैकएंड में जाता है, तो बैकएंड वाले कंपनी को बता जब देंगे तक क्या? ऑर्डर प्लेस नहीं होता ना, तब तक डेटाबेस में ऑर्डर नहीं जाता, और ऑर्डर जाके डेटाबेस में गिरता है। जैसे कुछ मंगो डीपी पे गिरा, तो फिर जो मंगो डीपी पे जो बैकएंड संभाल रहा है, फिर वो बताते हैं कंपनी को कि आपके लिए ऑर्डर आया, आप ये रिसीव करें। नहीं, तो नहीं, ये नहीं आपके होना पास जो ऐप चाहिए। होती है ना हाँ उस पे आता है नोटिफिकेशन, भाई सही ये ऑर्डर आया है। तो जब और नोटिफिकेशन खोलेगा वो ऑर्डर स्क्रीन पे हिट करेगा, अब वहां पे आपको ऑर्डर की डिटेल दिखेगी, आप ऑर्डर उठाओगे निकल जाओगे। नोटिफिकेशन बैकएंड देगा। नोटिफिकेशन के लिए तो आपको बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी, बहुत मुश्किल काम है मेरी नजर में। सारी वो प्रोग्रामिंग का ना सबसे मुश्किल काम नोटिफिकेशन है। फ्रंट कुछ लाइक आइडिया आया कि एंड नहीं देगा, बैक एंड ही देगा। फ्रंट एंड का तो कोई काम नहीं होता ना, नहीं, बैक एंड में ये भी चीज होती है। सर, जैसे कि आप अभी बना रहे हैं वी वॉश वाली, तो आप हाँ ये नोटिफिकेशन का काम करिए कि लेट्स सपोज अगर कोई क्लाइंट है ना, उस ऐप में ना अपनी डील करता है कि ऐड टू कार्ट करता है, तो फिर नोटिफिकेशन डायरेक्ट पहुंचेगी कंपनी को? आप नोटिफिकेशन वाला काम करके आता है आपको? आता है? मैंने बोले नोटिफिकेशन की होती है वो खरीद के दे दे, गूगल की होती है वो खरीद के देने। जैसे कि बाय चलो गूगल मैप की एक है, तो वो किस तरीके से नोटिफिकेशन की जिससे दराज वाले के यस, आने की, तो ये नहीं होता कि बैकएंड वाले कॉल करें। हर चीज फ्री में दे देंगे तो फिर बचेगा क्या। वो हाँ, सारी चीजें अवेलेबल हैं लेकिन पेड। कहाँ से करेंगे हम? नोटिफिकेशन डॉट कॉम देखो, रिएक्ट नोटिफिकेशन मटेरियल यूआई नोटिफिकेशन। ओके, तो क्या करें, अपडेट करें? यस सर। और दूसरा ये कि अब आप लोग पता क्या करना, एक प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें जो है ना यूजर ऑथेंटिकेशन वाला काम कर लो पहले से, सही है? और फिर नेक्स्ट क्लास तक मुझे उसका एक्सेस दे देना, ताकि फिर मैं उससे कनेक्ट करके आपको वो करवा दूं जो आप कह रही हो। बट नॉर्मल यूआई बना लेते हैं, ज्यादा इसको वो बोलो नहीं। ना साथ बैठ यूआई के एक रेपो बना में बनाओ पूरा। नहीं सर, प्रॉपर यूआई की बात कर रहे हैं। यूआई तो वो यूआई कहते हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है।
उसको धोना फिर बोलो तुमने करके लाने ज्यादा दो ताकि पता चले भाई 24 घंटे लगाने। जब मेरा पहली इंटर्नशिप थी ना तो जब भी मैं फंसता था तो वो मेरा जो सीनियर डेवलपर था वो कहता था कि भाई आपका 12 घंटे लगाया आपने। क्या करें एडिट करें? यस सर। क्या रहा मुद्दा है हम एडिट और अपडेट कर सकते हैं। आप मुझे थीम बताइए तो मैं बना दूंगी। बस सही है आपका का काम आसान हो गया। बोलो उस दिन लाजमी चाहिए सारी चाहिए रिस्पॉन्सिव मोबाइल। मोबाइल रिस्पॉन्सिव तुम सिर्फ मेन विद और मैक विद में फंसती हो ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। ओके API function 2 update item updat update item इंसान को इतना इरिटेट करती है ना। Const API app dot अब क्या करना है अपडेट या पुट नॉट पर्ज पुट। पुट का मेथड है जो आपके डेटा को अपडेट करेगा। यहाँ जो रिसीव होंगे आपको दो चीजें ठीक है यहाँ रिसीव होंगे आपको दो चीजें। एक अपडेट आइटम इससे अपडेट करो टेलीविजन को एलईडी से रिप्लेस करो। पहले मेरे पास बड़ा टीवी था एलईडी है उसको रिप्लेस करो एलईडी से। किससे? इस वाली आईडी से ठीक है। तो फिर वही चीज है हमारे पास एक पैरामीटर है एपीआई हैंडलर का और एक कॉल बैक। मैंने बोला स्लैश एपीआई स्लैश अपडेट डैश आइटम और मुझे पैरामीटर में रिसीव होगा रिक्वेस्ट डॉट रेस्ट। यहां से मुझे मिलेगा लेट दिस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए आइटम आईडी और मुझे चाहिए अपडेट आइटम नेम। ये दो चीजें चाहिए। ये मैंने अपनी मर्जी से लिखी हैं। आप जो मर्जी लिखना चाहो लिख देना सही है। पहले इसको कंसोल करा लेते हैं। हाँ कॉमा आइटम आईडी और कंसोल डॉट लॉग अपडेट आइटम जैसे मुझे देखे बगैर याद है ना आपको भी चीजें याद हो जाएंगी क्योंकि ये वो मेथड है जो फंक्शनैलिटी बेस्ड है। आपके सामने मैं कॉन्फ़िगरेशन देख के कर रहा होता हूँ वो जरूरी नहीं है वो सब अलाउ करेंगे वो देखो। ये चीजें याद होनी चाहिए ये फंक्शनैलिटी बेस्ड है। इसमें आप मैं आपके सामने ये दूसरे तीसरे तरीके से भी कर सकता हूँ लेकिन ये क्यों कर रहा हूँ सबसे बेस्ट ये है। और फिर आप जब आगे भी रिपीट वो चीजें रिपीट कर रहे होते ना हम लोग ने करा होते तो हमें काफी हद तक वो रिवाइज हुए और याद भी आ रहा था जो हमने भी खुद ने ये भी किया था। तो कोड अगर आप डाल देते ना तो भी कुछ भी इतना समझ नहीं आता था। और जैसे समझ नहीं आ रहा है सेव किया और सर्वर बनाते हैं सीसीसी TLS npm start सही है। और इधर आया मैं
पी रिक्वेस्ट कॉपी पेस्ट क्या चाहिए पुट बॉडी देनी है बिल्कुल देनी है डिश कॉमा डिश मैंने लिखा आइटम आईडी चाहिए फी और वी आइटम आईडी मैंने दे दी 1 2 3 4 5 अपडेट आइटम नेम मैंने दे दिया टेलीविजन से ऑलरेडी पर टेलीविजन रिमूव कर दिया आपने मशीन रिमोट दे दी सही है और मैंने इसको कर दिया सेंड मेरे पास यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 और रिमोट ठीक है क्यों डेटाबेस में आ गया और नहीं आएगा क्यों बताओ क्यों अभी तो कंसोल ही चल रहा है कल मेथड डेटाबेस में मेथड आएगा अभी मेथड यूज ही नहीं किया तो यूज ही नहीं करा ओके मैं एक अपडेट ऑब्जेक्ट के नाम का एक प्रॉपर्टी बना लेता हूं लेट अपडेट ओबीजे इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट इसमें क्या रखूंगा इसमें मैं वो रखूंगा जो मेरे डेटाबेस के अंदर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती होगी मैंने इसको कॉपी किया किसको टू डू आइटम को ओके कॉपी और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया इसको सही है मैंने बोला अपडेट ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है टू डू आइटम उसके अंदर क्या रख दो जाके अपडेट आइटम नहीं सही है अब एपीआई में भेजूंगा मैं अपडेट ऑब्जेक्ट सही है उसमें आईडी भेजूंगा आइटम आईडी और टू डू आइटम में रखा हुआ है अपडेट आइटम आईडी पकड़ेगा और टू डू आइटम के अंदर जो वैल्यू है उसको ओवरराइट करेगा किससे अपडेट आइटम नेम क्लियर हो गया कंडीशन बेसिक सी लगा लेते हैं इफ दिस अपडेट आइटम ऑब्जेक्ट आईडी तो यकीनन आप किसी बटन से पकड़ोगे उसका मसला नहीं है लेकिन अगर नेम इज इक्वल टू दिस डबल इक्वल टू दिस तो फिर आप बोल दो इसको भाई रेस नॉट रेस रिटर्न रेस डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंट ओके स्टेटस फॉल्स मैसेज नॉट मेनू बार डेटा भेजो सही है ये हमारे पास मैसेज हो गया अगर हमारे पास सारे प्रोजेक्ट में वैसे ही क्वालिटी का बोले जो ऐप यूज करेगा उसके लिए बहुत यूजर फ्रेंडली होगी ये तो हर किसी के समझ लंबे में आ रही है सही है इसी को यूज करेंगे डेटा तो भेजो ठीक है और अगर सक्सेसफुली रन हो जाती है तो अंग्रेज फिर के नहीं समझ आएगी अंग्रेज के नहीं समझ आएगी उसके समझ पे सिर्फ डेटा ही आएगा डेटा ही आएगा ठीक है उसके बाद मैंने लिखा टू डू मॉडल डॉट फाइंड क्या आएगा सिमेंट बाय आईडी एंड अपडेट ओके इसका भी अलग से मेथड हर चीज के इसमें अलग अलग मेथड है फाइंड बाय आईडी आईडी से ढूंढो और उस आईडी के आइटम को अपडेट कर दो सही है अब ये लेता है पैरामीटर में बहुत सारी चीजें है इसमें अपडेट जो करना है यस सही है हम इसको खोल लेते हैं थोड़ा सा लंबा करके ठीक चलिए है मैंने बोला सबसे पहले आपने आईडी मांगी है आईडी आपको दे दी क्या आइटम आईडी सही है उसके बाद आप ले जाना किसको अपडेट ऑब्जेक्ट को इसको ओवरराइट करना है किसे इस आईडी वाली आईडी के ढूंढ के किसको इसको ठीक है और ये हमारे पास होगा नया आइटम तो मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू और उसमें असाइन कर दिया ट्रू
ये हमारे पास आ रहा है नया डेटा, ठीक है। फाइनल फाइनल हमारे पास आता है कॉल बैक इक्वल टू दिस, जिसमें आपको मिलता है ऊपर की तरह एरर और डेटा। नॉट एरर पर थोड़ा सा उसी को कॉपी कर लेना, पर हमने किया था बस थोड़ा चेंज कर लिया, पूरा लिखना पड़ता है। हाँ ये पूरे दोनों पीछे वाला स्टेटस टू एरर नॉट नहीं, एरर नहीं है तो दिस टू एंड आइटम अपडेटेड UPDATED अपडेटेड सक्सेसफुली, रिटर्न सही। पे भी इसका इधर नहीं जाएगा और वो नीचे इफ वाली स्टेटमेंट का ही होगा ना रिटर्न। नहीं, इसमें और कोई एरर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले देखा करो पॉसिबिलिटीज क्या है। एरर की तो नहीं, अब तो डेटा भी तो भेजना है, तो ये तो रहा, अब इसको भेजना भी तो ये तो आपने वो मैसेज एक तरह से शो करवाया है, ये हाँ तो उसमें जाने अब वाला है टेस्ट करना है, भेज दिया डेटा बस इतने से। ये बस, डेटा वहां जाकर डेटाबेस पे स्टोर होगा वहीं जाके गिरेगा। सेम आईडी पे। सेम आईडी पे भेजते हैं ना, कोई एरर आएगा तो मैं बैठा हूँ देखने, ठीक नहीं है जी, है। अभी आपने एरर के साथ डेटा लिखा है इसकी बात कर रही है, इसको इसका भी तो कुछ अच्छा करना ठीक है। है, मैंने एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी डेटा कॉमा, उसमें साइन कर दिया डेटा, ठीक है, सेव किया और सर्वर क्या कह रहा है। अच्छा वो मैंने वो लगाई है ना, वो मुझे बताता रहता है ये यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो ये कौन सी एक्सटेंशन है सब पता है, नहीं तो काम की होगी ना NPM start सर। रिएक्ट स्निपेट लाइन सजेशंस, लाइन दिखाएगा लाइन सजेशंस कर रहा है ना, लाइन ढूंढने सही पड़ेंगे ना, है। ये आपको लाइन ही तो सजेस्ट कर रहा है। 145 से 149, 145 से ये रहा ब्रैकेट और ये रहा 149, नहीं एरर अच्छी 143 यहाँ से शुरू हो रहा है, दिस कहाँ तक चल रहा है 151, बिल्कुल सही बता रहा है, हाँ तो बस ये जब तुम वाली डेवलपर डेवलपर हो हो तो मैं तो नीड ही नहीं है खत्म। हाँ तो सही सही है। मैं तो होता है काम का, गलती से मार्केट में आया हूँ नहीं दया कर लेना मैं अक्सर ट्राई यार, तुम करती हूँ कर मैं। लेना, मैं भेज दूंगा, सेंड कर दूंगी। ओके, हमने कॉपी किया तुम तो किसको, वैसे काम पे फोकस नहीं करती, इधर उधर में बहुत करती। नहीं लाइक मेरे को कभी किसी चीज में प्रॉब्लम आती है ना तो मेरे यार काफी टाइम निकल जाता है इन चीजों को अच्छी बात है। रियलाइज टाइम निकलेगा, जब तक टाइम नहीं निकलेगा ना काम समझ में नहीं आएगा। करने और यहां पर मैंने किया इसको देश के। आईडी देते हैं, इधर गया मैं आखिरी बचा मुझे एलईडी तो बस एलईडी आ रहा है सर, अब इसको डिलीट नहीं करना। कॉपी किया नहीं और हमने दे दिया इसको, ये तो रिमोट को कॉपी किया और इसको कर दिया एम्प्टी, सही है। एरर डेटा भेजो, भेजो सही सही है, हमारे पास सक्सेसफुली मैसेज आ गया 400 का, क्योंकि हमने कनेक्ट 400 पे करवाई। एरर सेट किया हुआ है विच इज दिस, ठीक है। फिर डेटा भेजो अगर स्ट्रिंग हो आपका एम्प्टी, सही। मैं यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ और इसको यहाँ पे भेजता हूँ सक्सेस ट्रू, आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। और डेटा में क्या मिला, जिस आइटम को उसने अपडेट किया है, अपडेट वाला आइटम नहीं देगा वो आपको, जिस आइटम को उसने अपडेट करा है, डिलीट में जो डेटा मिलता है उसको भी अगर करोगे तो वो आपको जो आइटम उसने डिलीट करा है अपडेट डिलीट वाला आइटम देगा वो आपको, ठीक है। तो अपडेट वाला इसने आइटम दिया, अपडेट आइटम कभी भी नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि उसकी आपको नीड नहीं होगी, सही है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो लास्ट में 9E13 वाली जो आईडी है वो ओवरराइट हो जानी चाहिए, किससे, न्यू से रिमोट से, क्योंकि रिमोट भेजा चलिए है, ठीक है। रिफ्रेश करा और यहां पर हमारे पास एलईडी ही है। सर मुझे लग रहा है आप उधर कोड में जाए उसमें आपने जिसने उसको स्टोर किया है वो तो डाली नहीं, उसको तो कहीं यूज ही नहीं किया आपने। एलईडी ही है 9E13, देखते हैं 9E13 वो तो बिल्कुल सही है। सही है
सर्वर पर्सन इधर नहीं, वो server.js अभी पाल, उसमें आपने वो ऊपर लिखा ना अपडेटेड अपडेट ऑब्जेक्ट ओबीजी, इसको तो कहीं वो करें अबे यार यहाँ पे डायरेक्ट ये भेजना था, यहाँ पर अपडेट ऑब्जेक्ट भेजना था, मैंने वो नोट नहीं करा, ये भेजना था यहाँ पर। ठीक है सेव अब किया। जाए अब वो भी और समझ भी आ गया कि आप बार बार क्यों करते। ठीक है भेजते हैं दोबारा रिमोट। आ गया नहीं तो क्या अच्छा अभी प्रश्न तो रिमोट ही है। अब तो रिमोट ही आएगा, अहमद नहीं आएगा। अच्छा सही है 9A13 में आपके पास सक्सेसफुली रिमोट आ चुका है। इस फंक्शन को एक दफा दोबारा से पढ़ लेते हैं। ठीक है आपने यूजर से बॉडी में मंगवाई सबसे पहले आईडी, और उसके बाद आपने उसका जो अपडेट आइटम की वैल्यू है वो, आपके पास 10 यूजर इनपुट है, इस तरह के 10 आ जाए। सही है नेम आ गया, फोन नंबर आ गया, या कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, पासवर्ड आ गया। ठीक है चेक करवा लो यहाँ से, एल्स इफ लगा के लगा लिए। ठीक है उसके बाद फाइंड बाय आईडी क्या बोल रहा है, आईडी से ढूंढो उस आईडी के ऑब्जेक्ट को अपडेट कर दो। ठीक है पैरामीटर में लेता है चार चीजें, सबसे पहली आईडी, उसके अपडेटेड बाद आपके पास यहाँ पर आप एक बनाओगे ऑब्जेक्ट, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी दोगे जो आपके डेटाबेस में रखी हुई होगी। अगर दो चाहिए तो कॉमा लगा के दूसरी प्रॉपर्टी का नाम और उसका लाइक अपडेट आइटम, पासवर्ड या कॉन्टेक्ट नंबर जितनी मर्जी। ठीक है और पासवर्ड पे लास्ट में हम अपडेट आइटम नेम लिखेंगे ना। नहीं, क्यों अपनी मर्जी से रखो, बस ये कि जो आपकी प्रॉपर्टी नेम है ना वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करना चाहिए। टू डू आइटम एग्जिस्ट करता है यस सर, बस। लॉगिन फॉर्म बनाते तो पासवर्ड की भी हम आईडी रखते, तो टू टू आइटम के बाद पासवर्ड भी रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे कुछ जो हम लोगों ने नाम सपोज किया वो रखेंगे, बिल्कुल फिर रखेंगे। हमारा डेटा सब कुछ। ठीक है और फिर आपको उसको बताना होगा ये नया डेटा है। ठीक है पासवर्ड सीक्रेट कोड में ठीक है और फिर आपके पास लास्ट में मिलता है कॉल बैक जिसमें मिलता है एरर, और डेटा में आपको अपडेट आइटम मिलता है। एरर अगर नहीं है तो ये, वरना फिर आपके पास कुछ नहीं। चाहिए न्यू ट्रू, अगर ना हो न्यू ट्रू ना हो तो फिर वो उसी को जो है पहले वाले से को रहने देता, जो एलईडी थी पहले उसी को रहने देता है कि ये न्यू नहीं है। ये इसके चार पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं, आप थोड़ी से थोड़ी इतनी लाजमी पढ़ो कि भाई जाके घर पे ये देख लो कि भाई ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है। नजर आ रहा है क्या कर रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ नजर, मैंने उर्दू में बहुत आसानी से बता दिया। ठीक है टू डू आइटम देखता है स्ट्रिंग है, और ये चीजें वो बता रहे जो मैंने लिखी हुई है। हाँ आपको मेथड ऐसा फिर दूसरा नहीं देगा, दूसरा नहीं ये देगा। सीनियर काम वाले बंदे की यही निशानी होती है कि दूसरे को काम आसान लगे और उसको समझ आए। अब मुझे काम आसान क्यों लगते हैं, मैं कॉम्प्लेक्स कोड देखता हूँ, दूसरों के काम देखता हूँ, दूसरों के कामों में घुसा बहुत हूँ, उन चीजों को सही कर करके जो है ना बताता सही हूँ आसान तरीके से, ये वाला करो। सर अब ऑथेंटिकेशन का कुछ कर दो, आप यूआई बना के ले आना, इससे बोल दो, इसको भी बोल दो। यूआई को नहीं पड़ेगी फिर मैं दबाओ क्यों करूँ वो यूआई, मैं क्यों बनाऊँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बनाओ बनाओ हाँ तो बना बना दे नहीं मैं सिर्फ फंक्शनैलिटी लिखूंगा मेरा मैं कुछ भी नहीं होगा अगर मेरा ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ तो फायदा ही नहीं, तो। क्योंकि मैं ठीक तो है ना काम नेक्स्ट ही क्लास में डेटा ऑथेंटिकेशन बेस करते हैं। आपने एक रेड ऐप बना ली, कैसे टू डू आइटम, आपने एक किस्म के टू डू ऐप बना ली, डेटा जा रहा है डिलीट हो रहा है अपडेट हो रहा है, सारे डेटा आ रहे हैं, टू डू ऐप तो आपकी रेडी हो गई। एक साइन अप फॉर्म बना के लाओ आप दोनों, जिसमें फील्ड हो तीन, नेम ईमेल और पासवर्ड। सही है और इसके उसको सर्वर सर्वर तक नंबर भेज के आना, डेटाबेस से भेज के आना। पासवर्ड उसके साथ ईमेल पासवर्ड भी और वो उसको इनपुट नेम नेम होना चाहिए। ईमेल और पासवर्ड भेज के आना, यस जिस तरीके से हमने अभी नेक्स्ट क्लास वाला काम किया हाँ पांच यूजर डेटाबेस में पड़े हो,
उनकी रेपो का एक्सेस आपने मुझे देना है, सही है, और जो है फिर उसको क्लोन करके उसको चलाएंगे, उस पे काम करेंगे, थीम फिर वाली कोई सी थीम भले कोई सी भी कुछ हो, भी कोई बस फील्ड मिल ले आना, कोई भी कोई फिश, इतना फोकस नहीं करना आप उस पे कोड पुश करती रहना, मैं सब बोल लूंगा, पुश नहीं करूंगा, ठीक है, परसों की तारीख में ना। परसों की तारीख, ठीक है, इनफ है आज के लिए। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम लॉगिन करेंगे, उसके बाद लॉबी वाला ही हमारा ऑथ बन जाएगा, साइन अप और लॉगिन उसको का हम भी वैसे ही करना। स्टेट में स्टोर कर लेंगे, फिर जो मर्जी करवाते हैं हाँ, जब लॉगिन कर लेंगे फिर हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे ई कॉमर्स वाला, ठीक वो है, लाजमी है क्योंकि उसमें हमारा है वो लॉगिन होगा। हमारा, हाँ ये ऑथेंटिकेशन तो मस्ट है ना, यूजर अपने आप को उसमें रजिस्टर तो करवाए उसके बाद लॉगिन करता है, फिर वो जो मर्जी करने पड़ेगी पोस्ट ऐड करे, जैसे हमारा वो है ओएलएक्स, वहां पे तो पोस्ट ऐड भी होती है और हम परचेज भी होती है, और ऐसे ही हमारे पास एक पाक व्हील है और डिफरेंट डिफरेंट है, सारे कपड़ा प्रकार भी है, उसमें भी यही काम होता है।